जुंगीपुर मर्डर केस 5 माह बाद भी हत्यारे बेसुराग। एसपी ऑफिस पहुंचे मृतक के स्वजन और ग्रामीणों। पुलिस अधीक्षक से लगाई हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की गुहार। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जुंगीपुर में एक युवक की धारदार हथियारों से पीट पीट कर की गई हत्या के मामले में 5 माह गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इससे आक्रोशित मृतक के स्वजन और ग्रामीण मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एक अंधे हत्याकांड को सुलझाने की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगाई, जिस पर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने एक टीम गठित कर इस हत्याकांड के खुलासे के निर्देश पिछोर SDOP को दिए हैं। जानकारी के अनुसार नयाखेड़ा थाना बसई जिला दतिया के निवासी कमल राजपूत ने बताया कि 4 अगस्त 2023 की रात उसका बेटा आनंद घर से किसी काम से निकला और वह करीब 8 बजे सत्येंद्र राजपूत की मोटरसाइकिल पर बैठ दिखा। उसके साथ में कमलेश यादव निवासी जुंगीपुर भी था। सुबह पता चला कि पुत्र आनंद फील्ड फायरिंग रेंज मौजा जुंगीपुर थाना पिछोर में लहूलुहान अवस्था में मिला, जिसके बाद पिछोर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि देवेंद्र राजपूत पर शक दर्शाया था, किंतु आज तक आरोपियों का कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस पिछोर के पास जाते ही तो कहते हैं जाँच चल रही है। मृतक के पिता ने जल्द ही आरोपी का पता लगाकर गिरफ्तारी की मांग की है। क्या घटनाक्रम हो गई आपके साथ जो आप SP ऑफिस आए हो सभी ये गांव के लोग? हमारे बच्चे की हत्या हुई है। क्या नाम है आपके लड़के का? आनंद। कितने साल का था? 29 साल का। कब हुई थी हत्या? कब हुई थी? 4 अगस्त को। कहाँ पर? कहाँ पर? उधर हमारे कुएं के पास ही, तो आधा किलोमीटर दूरी कुएं के पास से पता नहीं है। कौन गांव है? नया खेड़ा जुंगीपुर मौजे में आता है वो जगह जहाँ पे घटना। हत्या कैसे हुई आपकी बेटी की? पकड़ के ले गए। कौन ले गए? कौन पकड़ के ले गए? जे कोई मारा पता थोड़ी है कौन ले गया। रात के 8 बजे हमें सुबह उसकी लाश पकड़ के कौन ले गया मतलब ये मालूम नहीं है कौन ले गया। उनके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, कौन थे? दोस्त थे जो एक के सत्येंद्र के साथ आ रहा था, उसने कहा कि मुझे यहीं उतार दो। वहाँ से फिर पता नहीं है तो कौन लेके गया उसको। तो सत्येंद्र कौन है? ये सत्येंद्र नया गांव का है। ये कौन समाज का है? राजपूत। तो दोस्ती थी क्या उससे? हाँ, तो मतलब वो दुकान करत तो सड़क पे से आए थे सब्जी मब्जी लेके, वो उसी की बाइक से आया था बैठ के। कैसी स्थिति में मिले थे आपके बेटे आपको? उसकी दो उंगलियाँ टूटी थी, कुल्हाड़ी के निशान भी थे, पत्थर या कुल्हाड़ी से उसको मारा गया था। सर में कम से कम 30-40 से ज्यादा चोटें थी और दांत भी उसके उखड़े हुए थे, हाथ की उंगलियां भी कटी, आंखें भी निकाल ली। मतलब बहुत बेरहमी से उसको मारा गया था। कितने समय पहले का मामला है ये? 4 अगस्त का। ये फोटो है उसका, इस अवस्था में मिला था। तो आप उस समय आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दी थी, दोनों थाने की मौके पर पुलिस आई थी, बसई थाने की भी आई थी, शिवपुरी की भी आई थी। लेकिन पटवारी ने जो एरिया था उसको शिवपुरी में बताया था, तो यहाँ केस शिवपुरी में। तो जब से सुपरी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं की, सिर्फ फॉर्मेलिटीयां। अभी आप यहाँ आए SP ऑफिस, क्या आश्वासन दिया आपको? उम्मीद लेके आए हैं कि भाई अपराधियों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। नहीं, अभी क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने क्या, दोबारा से टीम गठित करके दोबारा से जाँच शुरू करेंगे। तो आप संतुष्ट हो उनके आश्वासन से? संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इससे ऑप्शन दूसरा है नहीं। अगर देखते हम 10-15 दिन बाद अगर नहीं आते तो फिर हम भाई यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित। कौन लगते रस्ते में आप? मेरा मित्र। आपका मित्र कहाँ?